वेदाय नमः वेदपुरुषाय नमः अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहं श्री गणेशाय नमः। नमस्ते। आज का परम सौभाग्य का दिन है, श्री महाबीडी अर्सी तीर्थम ये संस्था के वेदरक्षण ट्रस्ट संस्था के संकल्प और परमाचार्य महास्वामी जी कांची पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री 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 प्रत्यक्ष योग मूर्ति चंद्रशेखरेंद्र महास्वामी जी के असीम अनुकंपा और अनुग्रह के बाद आज संपूर्ण भारत भर इस संस्था के नियम से प्रतिदिन में वेद कार्य नित्य चल रहा है। हर रोज आवहंती होमम प्रति भानुवासर मतलब संडे इस दिन ऋग्वेद पवमान होमम प्रति मास में हर वेद का षडंग पारायणम और सामवेद पारायणम चतुर्वेद पारायणम के बाद अभी संपूर्ण भारत भर में जहाँ कहाँ भी ऋग्वेद अध्ययन अध्यापन परंपरा है उसमें ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यकम इसका इस मास से हर महीने में शुक्रवार शनिवार और सोमवार नहीं तो शनिवार रविवार और सोमवार को ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्य का पारायणम आज के परम से महास्वामी जी के अनुकंपा से शुरू होने जा रहा है। आज पहले दिन ऐतरेय ब्राह्मण का पारायण भाग रूप में, कल थोड़ा पारायण उत्तरार्ध में और परसों तृतीय दिन में अवशिष्ट ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्य का संपूर्ण आरण्यकम का संपूर्ण पारायण ये होगा। आज महाराष्ट्र और भारत के वैदिक मूर्धन्य विद्वान आलंदी में स्थित श्री वेदमूर्ति घनपाठी प्रथमेश रत्नाकर जी जोशी ये स्वयं आलंदी में ही पढ़े हैं और अभी नरसिंह सरस्वती वेदपाठशाला में प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। और मैं सिद्धांत गाडगिल घनपाठी, हम दोनों आज से पारायण का प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही ये ऐतरेय ब्राह्मण और अरण्य की अध्ययन अध्यापन परंपरा संपूर्ण भारत में केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में केवल वाराणसी में ही जीवित है। दक्षिण भारत में कुछ गिने चुने वैदिक विद्वान ही ऐतरेय ब्राह्मण षडंग का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में परंपरा लुप्त तो ऐसा नहीं बोल सकते, वेद का कार्य है लेकिन परंपरा थोड़ा कम हो गया है। तो वेद रक्षण ट्रस्ट महापीडी अर्सी तीर्थम ये संस्था का ये भी संकल्प है कि जो कोई ऋग्वेद का विद्वान ऐतरेय ब्राह्मण और अरण्य का अध्ययन करना चाहे तो संस्था नहीं तो मेरे से संपर्क करके हम आपको ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय अरण्य का पाठ अवश्य करवा सकते हैं। और इस महीने से शुरू होके महाराष्ट्र गोवा गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इस हर राज्य में जितने विद्वान लोग हैं उनके मधुर स्वर से और महास्वामी के अनुकंपा और अनुग्रह से ये पारायण निरंतर चलता रहे और सभी विद्वानों का इसमें योगदान रहे ऐसी श्री महास्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करके आज हम बैठे हैं श्री क्षेत्र आलंदी, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी का जो तपोभूमि है उसके ही पास में श्री नरसिंह सरस्वती महास्वामी जी का इधर दिव्य सन्निधानम है, गणेश जी का प्रतिमा और गुरु पादुका है। तो उस सन्निधान के पास में आज से ये वेद पारायण मतलब ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्य का पारायण शुरू हो रहा है। महास्वामी जी से प्रार्थना है, स्थान देवता और वेद पुरुष से भी प्रार्थना है, संकल्प वो ही संपूर्ण करे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणान्त्वा गणपोद्यं हवामहे कविं गोभीनामुपमश्रवस्तमान् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नूतिभिः शीरसादोनाम्
देवीं वाचो मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे शमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ॐ संसृष्टन्तनामुभयं समारुतमस्मभ्यं दत्तां वरुगुणश्च मन्योः ृदयेषु शत्रवः पराजितासो अपनिलायन्ता प्रणवो देवी सरस्वती वारे वाजिनीवति धीनामावेत्रियावतु यो नमो अग्ने हरिवारोरातिवा वर्षयोजिद्वयेन मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मानो वृक्षेश्वरन्व दुरुक्तैः दीर्घतमामामते योजुर्भवान् दशमे युगे अवामर्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः हरिः ॐ अथ ऐतरेय ब्राह्मण प्रारम्भः ॐ अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वान्या देवता आग्ना वैष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालौ सर्वाभ्य देवै नन्दद्देवताभ्योऽनन्तराय निर्वपञ्चग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवता एते वै यज्ञस्यां ते तनवौ यदग्निश्च विष्णुश्च तद्यदाग्ना वैष्णवं ोडाचन्द्रपञ्चदेव तद्देव तद्देवा नृध्रुवन्ति तदाहुर्यदेकादशकपालसो द्वावग्ना विष्णुकैनयो सत्रकृत्यः सा विभक्तिरित्यष्टाकपाल आग्नेयोष्टाक्षरा वै गायत्री गायत्रमग्ने छन्दस्त्रिकपालो वैष्णवस्त्रिलीनं विष्णुर्वक्रमयो सत्रकृत्यः सा विभक्तिर्कृते तरुन्दर्वभेदयो प्रतिष्ठितो मन्येता स्यां वासन प्रतिष्ठति यो निष्ठति तद्धर्कृतं तत्प्रिये वयो ये तण्डुलास्ते पुंसस्तन्मिथुनं मिथुनेनैवै नन्दत्रजया पशुभे प्रजनयति प्रजात्यै प्रजायते प्रजया पशुभिर्य एवं वेदारब्धयज्ञो वा एषारब्धदेवतो यो दर्शपूर्णमास ध्यायत आमावास्येन वा हविषे पौर्णमासेन वा तस्मिन्नेव हविषि तस्मिन् परिषि दीक्षेतैको एकादीक्ष सप्तदशसामिथे निरनुब्रूयात् सप्तदशो वै प्रजापतिर्द्वादशमास पञ्चदो हेमन्तशिशिरयो समासेन तावान् संवत्सर संवत्सर प्रजापति प्रजापत्या यतनाभिरेवाभीरान्नोऽयेवं वेदा यज्ञो वै देवेभ्यमत्तमिष्टिभिप्रैषमै छन्दरिष्टिभिप्रैषमै छंस्तदिष्टीनामिष्टित्वन्तमन्वविन्दन्ननुमित्तयज्ञो राज्ञो दिय एवं वेदाहूतयो वै नामैदा यदाहुतय एताभिर्वै देवान्निरमाणो भयति तदाहुतीनामाहूतित्वभूतयः खलु वै तानामयाभिर्देवा यजमानस्य हवमायन्ति ये वै पन्थानो या श्रुतयस्तावाहूतयस्तौ एवैतत्स्वर्गयाणा यजमानस्य भवन्ति तदाहुर्यदन्यो जुहोत्यतयो नृचाहयस्मात्तौ होते त्याचक्षत इति यतमावस तत्र यथा वाजनं देवता अमुमावहामुमावहे त्यावाहयति तदेव होतुर्होतृत्वं होता भवति होते तेन मासचैवं वेदा पुनर्वाेतमृत्विजो गर्भं कुर्वन्ति यन्दीक्षयन्तर्भिरभिचिन्तन्ति रेतो वा आपस्सवेतसमैवैनन्तर्कृतवादीक्षयन्ति नवनीतेनाभ्यञ्जन्त्या जं वै देवानां सुरविकृतं मनुष्याणामायुधं पितॄणा नवनीतं गर्भाणां तद्यन्नवनीतेनाभ्यञ्जन्ति स्वेनैवैनन्तद्भागधेयेन समरदयन्त्याञ्जन्त्येन तेजो वा एव रक्षो यदाङ्गनौ स तेजसमेवैनन्तत्कृत्वादीक्षयन्त्येकविंशत्या गर्भबिन्दूलै पावयन्ति शुद्धमेवैनन्तत्पूतन्दीक्षयन्ति दीक्षितविमितं प्रपालयन्ति यो निर्वा एषा दीक्षितस्य यद्दीक्षितविमितं योनिमेवैनन्तत्स्वा
प्रपालयन्ति तस्मात् ध्रुवाद्योनेरास्ते च चरति तस्मात् ध्रुवाद्योनेरीयन्ते न प्रजनायन्ते तस्माद्दीक्षितनान्यत्र दीक्षितविमितादित्योभ्य ोर्णवन्ति कृष्णाजनमुत्तरं भवत्युत्तरं वा उलभाजरायुजरायणे वैनन्दत्रोर्णवन्ति मुष्टीकृते मुष्टि वै कृत्वा गर्भोऽं दर्शयते मुष्टीकृत्वा कुमारो जायते तद्यन्मुष्टीकुरुते यज्ञं चैव तत्सर्वाश्रेवदा मुष्ट्यो कुरुते तदा ीक्षणस्संसवोऽस्ति परिगृहीतो वा एतस्य यज्ञः परिगृहीतारहितस्यादिरस्य परदीक्षिण एव यथा तथेत्युनुमुच्य कृष्णाजिनमवृतमख्यवै तस्मान्मुक्तार्घभाजरायोर्जायन्ते सहैव वासिनाभ्यवैतु तस्मात् सहैवोल्लेन कुमारो जायते त्वमग्ने सप्रदासि सोमया सेवयो भुवैत्याज्यमागयो पुरोर्वाक्ये अनुब्रूयाद्यः पूर्वमनीजान स्यात् तस्मै त्वया यज्ञं वितन्वत इति यज्ञमेवास्मा एतद्वितनोत्यग्नेः प्रत्नेन मनमना सोमगीर्भृष्ट्वा वयमिति यः पूर्वमीजान स्यात् तस्मै प्रत्नमिति पूर्वं करमाभिवदति तत्तन्नादृत्यमभिनिर्वृत्राणि जङ्गनत्वं सोमासि वत्पतिर्दिवा ृत्रं वा एष हन्त्यञ्जज्ञोपनमति तस्मात्वार्त्रग्नामेव कर्तव्यामभिनिर्मुखं प्रथमो देवतानामग्निश्च विष्णो तव उत्तमं मह इत्याघ्नावैष्णवस्य हविषो याज्जानुवाक्ये भवत आघ्नावैष्णव्योरूपसमृद्धे तद्वै यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसमृद्धं यत्कर्म क्रियमाण मृगविवरत्यग्निश्च हवै विष्णुश्च देवानां दीक्षापालौ तौ दीक्षाया ईशाते तद्यदा ग्रावैष्णवौ हविर्भवति यौ दीक्षाया ईशाते यौ प्रीतौ दीक्षायौ दीक्षैतारौ तौ दीक्षयेता निदृष्टुभौ भवतस्येन्द्रियत्वाय गायत्र्यौ स्विष्टकृतः संयाज्ये कुर्वीततेजस्कामो ब्रह्मवर्गसंगामस्ते यो वै ब्रह्मवर्गसङ्गायत्री तेजस्वी ब्रह्मवर्गसी भवति य एवं विद्वान् गायत्र्यौ कृत उष्णिहा वायुष्कामः कुर्वीतायुर्वा उष्णिक् सर्वमायुरेति य एवं विद्वान् उष्ण्यौ कुरुते नुष्टुभौ स्वर्गकामः कुर्वीतद्वयोर्वा अनुष्टुभो चतुष्षष्ठिरक्षराणि त्रयैव ऊर्ध्वा एकविंशा लोका एकविंशत्यैकविंशत्यैवेमाल्लोकान् द्रोहति स्वर्ग एव लोके चतुष्षष्टितमेन प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति एवं विद्वानुष्टुभौ कुरुते बृहत्यौ श्रीकामो यशस्कामः कुर्वीत श्रीर्वै यशश्चन्दसां बृहति श्रियमेव यशात्मन्धत्तेय एवं विद्वाौ कुरुते पङ्क्ती यज्ञकामः कुर्वीत पान्तो वै यज्ञोपैनै यज्ञो नमत्य एवं विद्वान् पङ्क्ती कुरुते दृष्टुभौ वीर्यकामः कुर्वीतौषो वारिन्द्रियं वीर्यं दृष्टुवोषश्रीन्द्रियवान् वीर्यवान् भवति एवं विद्वाौ कृते जगत्यौ पशुकामः कुर्वीत जागता वै जगवः प्रथमः भवति एवं विद्वान् जगत्यौ कुरुते मनः विराजावन्नाद्यकामः कुर्वीतान्नं वै विराट् तस्माद्यस्यैह भूयिष्ठमन्नं भवति एव भूयिष्ठल्लोके विराजति तद्विराजो विराट् त्वं विश्वेश्वराजति श्रेष्ठस्वानां भवति एवं वेद अथो पञ्चवीर्यं वा एतच्छन्दो यद्विराट्यत्रिपदातेनोष्ण्यहा गायत्र्यौ यदस्या एकादश क्षराणि पदानि तेन त्रिष्टुभ्यक्षरातेनानुष्टुं न वा एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न दवाभ्यां यद्विराट् तत्पञ्चमौ सर्वेषां छन्दसा वीर्यमवरुन्धे सर्वेषां छन्दसा वीर्यमश्नुते सर्वेषां छन्दसा सायुज्यं स्वरूपतां सलोकतामश्नुतेन्नादो नवदर्भवत्यश्नुते प्रजयान्नाद्य एवं विद्वान् विराजौ कुरुते तस्माद्विराजावेव कर्तव्ये प्रेद्धो अग्नय
ब्रह्मावदीक्षा सत्यं दीक्षा तस्मादीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यमथो कलवाहो कोऽर्हति मनुष्यः सर्वं सत्यं वदितुं सत्यसंहिता वै देवा अनृतसंहिता मनुष्या इति विलक्षणवदीयं वाचं वदे चक्षुर्वै विलक्षणं येनेन पश्यति चेतद्द वै मनुष्येषु सत्यन्येन यच्चक्षुस्तस्मादाचक्षुरद्रा इति सयद्यदर्शमित्याह श्रद्धनदि यद्यो वै स्वयं पश्यति न बहूनां चरान्येषां श्रद्धदाति तस्माद् विचक्षणवदीयमेव वाचं वदे सत्योत्तराहैवास्य वा मुनिता भवति स्वर्गं वा।